नमस्कार दोस्तों दोस्तों, अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं तो आज मैं आपको वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग बताने वाली हूँ, प्रचंड प्रयोग बताने वाली हूँ जो कि 100% वशीकरण करेगा। 7 ही दिनों में जिसे आप वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में होगा। क्या करना है, ये जो वशीकरण प्रयोग है इसमें आपको उल्लू के पंख की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू का अगर पंख आपको मिल जाता है तो बहुत ही आसानी से आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उल्लू का पंख अगर नहीं मिलता, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, पहले प्रयोग सुन लीजिए। क्या करेंगे, आपको एक काला कपड़ा लेना है, इस पर आपको उल्लू का पंख रख लेना है, साथ में इस पर डाल लेना है थोड़ा सा सिंदूर और एक नींबू रख लेंगे। ठीक है, आपको जो स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो नाम वाली जगह लिखी है, जहां नाम लिखा है या अमुक लिखा है, इस जगह पर आपको अपने जिसको वश में करना है उस व्यक्ति का नाम लेना है और ये मंत्र 108 बार पढ़ लेना है। अब इस काले कपड़े को बांध देना है। ठीक है, अंदर पंख है, सिंदूर है और नींबू है, इसे बांध देना है और किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे जाके दबा के आ जाना है। ठीक है, ये उपाय आप कब करेंगे, यह उपाय आप रविवार को दिन में 12 से शाम के 4 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब बात आती है उल्लू का पंख मिलेगा कहाँ, आप हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे आपके घर पे।